हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अपने भाई की जो शादी है वहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब मेरे भाई की जो शादी है वो स्टार्ट हो गई है, कीर्तन स्टार्ट हो गया है। बस इससे पहले थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह चली तो मैंने बोला कि आपको क्यों बोर करना उस चीज़ से, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर लो मेरे भाई को जिसकी वेडिंग है, मेरा अपना भाई। और यहाँ बाहर का कीर्तन चल रहा है, मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ। अभी देखो कीर्तन चल रहा है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, और इसमें लगेगा अभी थोड़ा टाइम। यार ये देखो, मैं यहाँ का फोटोग्राफर था, ठीक है, काम तो हो गया था मेरा। और कौन आया अभी देखो, तेरे नाम का देख। सारा इवेंट वगैरह हो गए थे, हल्दी मेहंदी, मतलब हल्दी तो नहीं, मेहंदी वगैरह हो गई थी, ठीक है, कीर्तन मेहंदी कॉकटेल वगैरह सब हो गया था, और अभी यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगाई जा रही है। तो कल की प्रिपरेशन कल ही देखेंगे, बाकी अभी सिमी समझ नहीं पा रही, उसके टांग में मैंने अभी कुछ बनाया है मेहंदी। अबे वहाँ लग गई, उसमें लग गई, अपने मोबाइल में दिखाना, उसमें तो आई, उसमें तो आई, अपलोड हो रही हो ना, हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने अभी इधर तो रख, अरे नहीं इधर तो रख, अरे इधर रख, एक मिनट, एक एक चीज बस, छोटा सा, चल जल्दी इधर। सिम्मी की टांग मैंने इतना अच्छा डिजाइन बनाया, सी का, सी का डिजाइन बना रखा है, पर सिम्मी समझ नहीं पा रही कि क्या बनाए। ये तो है देखो हल्दी का सेटअप, तो पहले हल्दी होगी यार। तो अभी क्या है, इस शादी में ना कुछ अलग होने वाला है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल शादियों की तरह नहीं होने वाली है, मतलब ये थोड़ा डेस्टिनेशन मिक्स है और जो अपना होम वेडिंग होती है वो भी मिक्स हो रही है, ठीक है, दोनों की दोनों। चलो मैं अभी बताता हूँ आपको, दारी देवी जाना पड़ेगा हमको, ठीक है, दारी देवी में शादी और फिर उसके बाद रिसेप्शन, मतलब इधर ही होगा इसी एरिया में, पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ देखो खाने का पूरा सेटअप इधर है, ये देखो अभी पूजा चल रही है यहाँ पे, ये देखो अभी हल्दी चल रहा है। हेलो, मतलब हल्दी आप तो हो ही गया, ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि धारी देवी जाना है हम लोगों ने, जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, ठीक है, उस चीज़ के लिए, तो बस अभी निकलने वाले हैं, थोड़ा प्रिपरेशन चल रही है, जल्दी जल्दी करेंगे एकदम काम। गाइस सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं धारी देवी की तरफ अपनी प्यारी बुलेट में, प्यारी बुलेट, नो ड्यूक, ओनली बुलेट, आराम से ऑल ऑल चलेंगे हम, और जैसे हम पहुंचते हैं दिखाएंगे आपको। क्या क्या आप लोगों ने कभी धारी देवी में वेडिंग देख रखी है, मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, मैं तो हूँ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मैं तो देखने जाऊँगा ना क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अरे बाप रे, ये तो खंबे, अब खंबे में स्क्रैच नहीं है बिल्कुल भी, खंबे में क्यों कुछ है, हो ही नहीं रखा, एयर बैग्स वगैरह सब खुल गए, खंबा बच गया, बोलो खंबा बच गया भाई, वो मारुति की थी ना, मारुति की, तभी तभी खंबा बच गया भाई, खंबे को मैं ड्यूरेबिलिटी के लिए 5 स्टार देना चाहूँगा। और गाड़ी मारुति की थी तो वो तो आपको पता ही है, वो आप गैस कर सकते हो। यार बताओ, आप अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, कंटेंट के लिए बताओ, कितना गिर जाता है इंसान। वही तो यार, बहुत गिरना पड़ता है यार, बहुत गिरना पड़ता है, मैं तंग आ गया हूँ, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नहीं चिबली। ये मेरे मौसा जी की कार है, ठीक है, स्कॉडा कुशाक, थे दिखने में कैसी लग रही है कुशाक, दिखने में सही है ना, यहाँ ना कोई स्कॉडा की गाड़ियाँ क्यों नहीं लेता, पता नहीं
नहीं मेंटेनेंस की बात नहीं है, क्योंकि उनको ना हमेशा स्कॉडा से सिर्फ लोरा याद आता है समझ रहे हाँ स्कॉडा लोरा, तो इसलिए लोग लेते नहीं है। यहाँ के लोगों को ये लगता है कि स्कॉडा लोरा है, ठीक है फॉक्सवैगन की तो बात ही नहीं है। जब स्कॉडा ही लोरा लगता है तो बाकी चीज़ें तो तब देखेंगे ही नहीं ना लोग, उसके आगे लोग सिर्फ मारुति पे जाते हैं जिसकी हालत वो हो रही थी। अब मुझे समझ आया कि ये जो पहाड़ में जैसे गाड़ियाँ गुड़ियाँ जो लोग लेते हैं तो स्कॉडा की क्यों नहीं लेते हैं। हाँ मारुति देख मारुति अबे सारी तो मारुति है भाई, एक एक किया है बस। देख रहे हो पहाड़ में ये मेंटेलिटी है लोगों की, अबे स्कॉडा लोरा पे ही नहीं अटकती है सिर्फ, स्कॉडा के आगे भी कुछ और चीज़ें होती है ठीक है। स्कॉडा की और कौन सी है भाई, मेरे दिमाग में स्कॉडा लोरा ही आ रहा है यार सिर्फ स्कॉडा की और कौन सी गाड़ी है अबे बताओ भाई कोई, स्कॉडा हंटर 350 स्कॉडा ड्यूक 390 अबे यार क्या है स्कॉडा, स्कॉडा की मैक्स नहीं आती भाई, स्कॉडा की कुछ और आती है यार। गाइस देखो स्कॉडा की सारी गाड़ियों के नाम नीचे कमेंट करो ठीक है, मुझे नहीं पता है तुम बस कर लो, क्योंकि मेरे दिमाग में स्कॉडा से सिर्फ लोरा आ रहा है। तो लोगों की मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्कॉडा की बहुत अच्छी अच्छी कार है। देखो कुशाक तो बहुत अच्छी लगी भाई मुझे, दिखने में कितनी प्यारी है यार वो। ये है होटल फरासो, तो यहाँ पर रुक रखे वो इधर कहीं ठीक है, तो अभी हम यहीं पर आएंगे, हमारा जो लंच वगैरह वो यहीं पर है वापस। फिलहाल तो हमें धारी देवी टेम्पल जाना पड़ेगा थोड़ा ही आगे पे, और यार जाते जाते मैं स्कॉडा की बात नहीं करना चाहता था पर आ गया वो टॉपिक ठीक है। मेरे मौसा जी जो है वो मेरे सामने से ओवरटेक करके गए स्कॉडा से, तो मैंने बोला कि प्रतिशोध तो लूँगा मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो प्रतिशोध के जगह वो थोड़ा मैंने क्या बोलते प्रमोशन कर दिया स्कॉडा का, गलत तरीके से करा है पर भावनाएँ अच्छी है ओके। तो गाइस ये देखो हम धारी देवी मंदिर पहुँच चुके हैं, अगर भाभी लोगों के घर वालों से कोई देख रहा होगा तो प्लीज़ कट दैट पार्ट ऑल थिंग्स आई जस्ट सेड बिफोर, तो उस चीज़ को हटा देना मतलब इग्नोर मारो, कोई कभी कभी मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ फालतू की बातें। मैं यहाँ लगाता हूँ बाइक, ये लो आ गए हम देखो धारी देवी में। यहाँ देखो हमें आते आते कौन मिल गई, मतलब मैं बाहर आ रखा था पानी पीने और ये चेरी यहाँ पे आ रही है पता नहीं कहाँ से आई, इसकी अभी एक लंबी राइड चल रही है। ओ इधर आना यहाँ देखो देखो इसे इस शख्स को जानो, चाचा मम्मा ये देखो ये पता नहीं कौन सी रसम है, ये देखो भाभी जी, ये देखो मेरा भाई और ये मेरी भाभी, ये देखो रिंग सेरेमनी। ये देखो शादी हो गई, विवाह संपन्न हुआ। चलो यहाँ से तो निपट गया, अब जैसे भी आते हैं आने दो इन्हें। जो भाभी लोग थे वो स्टे कर रहे थे एक होटल में ठीक है, तो वहाँ पे अभी हम जाएंगे, वहाँ पे सारे लंच का प्रिपरेशन हो रखा है
देन मतलब ये तो मतलब लंच का है सिर्फ, क्योंकि हम थोड़ा दूर आ रखे थे अपने घर से, ठीक है, हमारे घर से 13 किलोमीटर था सिर्फ। तो वो जो रोड दिख रही है वहाँ पे, उधर ही कहीं पे है। तो अभी हम लंच वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद सीधे चले जाएंगे जहाँ पे होटल में हम रुके हुए थे। तब उसके बाद रात की प्रिपरेशन, जो कि है रिसेप्शन मेन। तो देखो ये हम आगे फरासू में और होटल 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 यहाँ पे है। चलो गाइस ये देखो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। हो गया हमारा लंच, पेट भर गया भाई। ये देखो विदाई हो रही है अभी। ये धक्का क्यों दे रहे? अच्छा धक्का देते हैं कि, अच्छा कि जाओ जाओ जाओ, जाओ। अच्छा अच्छा ऐसा भी कुछ रिवाज होता है। ठीक है भैया, ओके अभी आओगे आप? अभी आना आप? हाँ जी जी बिल्कुल, चलो चलो भाई मिलते हैं अभी। ठीक है अंकल अंकल अंकल, ठीक है भाई मिलते हैं मिलते हैं साहब, है ना? हाँ ठीक है अंकल जी 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 मिलते हैं। ठीक है अंकल मैं उधर आता हूँ, बिल्कुल पक्का जी जी पक्का। अभी 2 दिन बाद फिर वहाँ जाना है देहरादून। चलिए बस फोन ला रहे हैं वो। अच्छा अभी हम लोग ट्रिपलिंग में जाएंगे डिम्पी में और ये भैया। ठीक है भैया, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करते हैं। इफ़ यू गाइस यू स्नैप देन यू स्नैपचैट। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, पुलिस वाले मिल गए यार गलत टाइम पे। अच्छे गाइस अभी मैं घर तो आ गया था, पर सीन क्या हो रहा था, जो लूफी बालक है वो घर पे ही था और वह किसी को पसंद नहीं था। ठीक है शादी हमारी ऊपर हो रही है, घर में नहीं हो रही है, ठीक है ऊपर हो रही है मतलब वेडिंग हॉल में। तो मैं तो लूफी को लेके जा रहा हूँ अपने साथ, कोई कुछ भी बोले पहली शादी में लूफी जाएगा हमारे साथ। ठीक है तुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, याद रख हमेशा साथ होते रहे।